को रौंद कर, उन्हें दबा कर, कुचल कर हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़कर भय को दूर भगाना है। हमारे अंदर जो भय है, हमारे अंदर जो डर है, उस डर को दूर भगाना है। फूलों को पाने के पहले फूलों को अपनाना है, तभी हम जो है अपने लक्ष्य, अपने मंजिल तक प्राप्त कर सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं। अर्थात हमें फूलों को पाने के पहले फूलों को अपनाना है, यानी कि कष्टों को पहले अपना कर, दुखों का सामना करके तभी हम मंजिल तक जा सकते हैं। कवि अशोक यही कहना चाहते हैं, बार बार यही प्रयास किया है कि फूलों को पाने के पहले शूलों को अपनाना है, यानी कि लक्ष्य मंजिल तक जाने से पहले हमें अपने उद्देश्य को पाने से पहले कष्टों का सामना करना पड़ता है। उन कष्टों से यदि हम घबरा जाते हैं, उन कष्टों से यदि हम डर जाते हैं, उनसे यदि सामना करने का साहस हमें नहीं है, तो हम अपने मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। उन मंजिल तक, उस उद्देश्य की पूर्ति हमारी होगी ही नहीं, हम अपनी सफलता को हासिल कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें पहले अपने विपदाओं से, अपने कष्टों से दूर न भाग कर उनका सामना करना चाहिए, उन्हें रौंदना चाहिए, रौंद कर उन्हें दबा कर आगे बढ़ना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि अशोक लिखते हैं, आगे की पंक्तियों में कवि हमें बताना चाहते हैं, गिरना और संभल कर बढ़ना, गिरना है और गिर करके संभल कर आगे बढ़ना है। गिरता है, पर इंसान जब रास्ते में चलता है तो उसे ठोकर लगती है, ठोकर लगने के बाद इंसान गिरता है, परंतु सच्चा इंसान वही है जो ठोकर लगने के बाद उठे और आगे का सफर संभल कर चले, आगे का सफर वो संभल संभल कर तय करे, पैर उठा कर चले, वही सच्चा इंसान होता है। इसलिए कभी कहते हैं गिरना है और गिर करके संभल कर चलना है, गिरना और संभल कर चलना साहस का साथ निभाना। गिरना, गिर के उठो, उठ के फिर संभल के चलो, पर साहस को छोड़ो नहीं, साहस का रास्ता छोड़ो नहीं, साहस को त्यागो नहीं, साहस का साथ निभाना है, साहस के साथ मिलकर साहस को अपने आप से दूर भगाना नहीं है, अपने आप में साहस बनाकर साहस के साथ आगे की मंजिल तय करना है। विजय चाहते हो जीवन में, दृढ़ता से बढ़ते जाओ। अगर आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में दृढ़ संकल्प होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दृढ़ता का मार्ग कभी त्यागना नहीं है, दृढ़ता का रास्ता छोड़ना नहीं है। दृढ़ संकल्पी बनिए, दृढ़ संकल्प करने वाला इंसान ही अपने यथोचित, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाता है। इसलिए कवि कहते हैं, गिरना और संभल कर चलना, साहस का साथ निभाना, विजय चाहते हो जीवन में, दृढ़ता से बढ़ते जाना। हम गिरते हैं, ठोकर लगती है, गिर के फिर संभलते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। और गिर के संभलने वाले इंसान को ही सच्चा इंसान कहा जाता है। और साहस का रास्ता तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए हमें, फिर से पुनः अपने रास्ते में साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है। और यदि विजय श्री हासिल करना है, यदि लक्ष्य को हासिल करना है, सफलता को हासिल करना है, तो हमें दृढ़ संकल्प बनना चाहिए, पूरे लगन और परिश्रम के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। हार नहीं सकता वो जिसने सीखा नित मुस्काना। मैंने पिछले अध्याय में, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था कि मुस्कुराना एक प्राकृतिक वरदान है, ईश्वरीय वरदान है। जो इंसान सच्चा दिल वाला होता है, जो इंसान दिल का साफ होता है, वही इंसान वास्तव में मुस्कुरा सकता है। इसलिए हार नहीं सकता वह जिसने सीखा नित मुस्काना है। जो इंसान हमेशा मुस्कुराना जानता है, जो इंसान सुख में या दुख में सभी परिस्थितियों में मुस्कुराना जानता है, उसकी हार कभी नहीं होती है, वह हार नहीं सकता है। फूलों को पाने से पहले शूलों को अपनाना है। अंत में कभी फिर से कहते हैं कि हमें फूलों को पाने से पहले शूलों को अपनाना चाहिए, अर्थात हमें दुखों का सामना करने के पश्चात ही सफलता हासिल हो सकती है। जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, मंजिल और लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो हमें शूलों का सामना करना पड़ता है, अर्थात कांटों का सामना करना पड़ता है, हमें दर्द होती है, कष्ट होता है। उन कष्टों का सामना करते हुए भी हम, उन कष्टों का सामना करते हुए ही अपने मंजिल तक
पहुंच पाते हैं, यही कवि का उद्देश्य है, सुनो को अपनाना है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, सुना और देखा, उसके पश्चात ये घर काम है, होमवर्क है, आपको पूरा करना है। पहला है कविता को याद कीजिए। जो अभी हम लोगों ने कविता पढ़ा, सुलों को अपनाना है, इस कविता को पूरा याद करना है, पूरा कंठस्थ कर लेना है। दूसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है, उसका भावार्थ लिखना है। मोती के लिए समुद्र में तुमको गोता खाना है, इसका अर्थ क्या होगा, भावार्थ क्या होगा लिखना है। हार नहीं सकता वह जिसने सीखा नित मुस्काना है, गिरना और सफलता बढ़ाना, साहस का साथ निभाना है। इन तीन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है और कविता को पूर्ण रूप में याद कर लेना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।